एक बार सपना चौधरी का एक फैन एयरपोर्ट पर उनके साथ फोटो क्लिक कराना चाहता था, लेकिन वो बेचारा काफी डर रहा था। कभी जेब से फोन बाहर निकालता, कभी अंदर। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि सपना के पास जाए और फोटो के लिए बोले। सपना सब कुछ देख रही थी। सपना खुद उसके पास गई और बोलती है कि आपको फोटो लेनी है तो ले लीजिए। उसके बाद फोटो ली, लेकिन बाद में सपना ने सोचा कि भाई ये आदमी मुझसे इतना डर क्यों रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है। सपना घर आई, उन्होंने बिग बॉस 11 की कुछ वीडियोस देखी जिसमें वो खुद थी। अब उन्हें समझ में आया कि शो के दौरान उन्होंने जो कुछ किया है वो उनकी धाकड़ और बेबाक हरियाणवी छोरी वाली इमेज बना चुका है, जिससे कुछ लोग डर भी सकते हैं। लेकिन बिग बॉस 11 तक पहुंचने वाली ये छोरी हरियाणा के एक छोटे से गांव से जब मंच पर ठुमके लगाती थी तो जानते हैं कई गंदी नजरें उन्हें बिना किसी डर के देखती थी। वो सपना थी, और बिग बॉस 11 के बाद अब हर मंच पर मैडम सपना जाती हैं। बिग बॉस के बाद से सपना कुछ गायब सी हो गई थी, लेकिन रुकिए जरा, पिक्चर अभी बाकी है। ये पिक्चर मैडम सपना की और उनके 16 साल से शुरू हुए उस सफर की है जो बैक स्टेज था, और आप भी इस सफर के बारे में सब कुछ जल्द जान जाएंगे। एक झलक तो सामने आ भी चुकी है। महेश भट्ट सपना की कहानी को बड़े पर्दे पर उतार रहे हैं। फिल्म का टीजर भी रिलीज हो गया है, नाम है मैडम सपना। लेकिन ऑर्केस्ट्रा से बड़े पर्दे पर सपना पहुंची कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब सपना ने मंच पर अपने ठुमकों से धमाकेदार एंट्री की थी तब मुझे याद है कि उनकी खूब खबरें बनती थी, लेकिन वजह कुछ अलग थी। शायद आप वो अलग समझते होंगे। वो फेमस हो रही थी, बहुत ज्यादा फेमस, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ा। सबसे पहले तो उन्हें हर रोज कई गंदी नजरों का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी डांस करना था। जब से उन्होंने होश संभाला था तब से अपने पिता को उन्होंने बीमार ही देखा। अब घर चलाने के लिए, परिवार को संभालने के लिए कुछ तो करना ही था, तो सपना ने स्टेज चुना। वो स्टेज जहां जाकर वो एक अलग ही लड़की बन जाती थी। लेकिन सपना ने इन सब का सामना किया। एक वक्त ऐसा आया जब सपना ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन जिंदगी ने दूसरा मौका दिया और सपना ने उसका इस्तेमाल भी किया, उसका स्वागत भी किया। साल 2016 में तो सपना चौधरी का एक सुसाइड नोट काफ़ी वायरल हुआ था। इसके पीछे की वजह ये थी कि एक इवेंट के दौरान खड़ा हुआ विवाद, जिसमें सपना पर जातिवाद को बढ़ावा देने तक का आरोप लग गया था और उनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज हो गई थी। बदनामी की डर सपना ने खुद की जान लेने का फैसला कर लिया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें बचा लिया। यहीं से शुरू हुआ सपना का सेकेंड इनिंग का सफर। अब सपना के लिए बिग बॉस के दरवाजे खुल चुके थे। यहां से लोगों ने उन्हें देखा, जाना, उनकी कहानी सुनी। मुझे याद है कि बिग बॉस के दौरान भी सपना चौधरी के ऊपर बहुत सारी खबरें बनी, लेकिन अब वजह बिल्कुल अलग थी। इस शो में उनकी धाकड़ साइड नजर आई, लेकिन उनकी मासूमियत मजबूरी से भी पर्दा उठा। किन चुनौतियों का सामना किया वो भी उन्होंने बयां किया। शो के बाद उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गया। इसके बाद वो कुछ वक्त तक तो सुर्खियों में छाई रही, लेकिन फिर ऐसा लगा कि ऑन स्क्रीन से गायब सी हो गई हैं। खैर, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सपना ने शिरकत की थी। उन्होंने अपने आउटफिट और कॉन्फिडेंस से सबका दिल जीत लिया था। मैंने उनका एक वीडियो भी देखा था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हील, ये तो पहली बार मैं इतनी ऊंची हील पहनूंगी, मुझे डर है। लेकिन हाई हील्स के साथ सपना का कॉन्फिडेंस रेड कार्पेट पर बिल्कुल वैसा ही था जैसा चुनौतियों के बीच स्टेज पर उनका डांस करना। और अब सपना बड़े पर्दे पर आ रही है अपनी कहानी के कुछ ऐसे किस्से आपके साथ शेयर करने के लिए जो शायद उनके अलावा कोई नहीं जानता।
तो क्या आप मैडम सपना के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।